नमस्कार, मैं दिनेश खत्री, टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ग्रामर के टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज उसी श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं दीपावली पर निबंध। तो दीपावली पर निबंध का पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। उससे पहले जो है उसको मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ, आप उसको समझें। दीपावली अर्थात दीपों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो पीडीएफ डाउनलोड की गई है, ये जो लेटेस्ट चलते हैं आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की गई है। तो पीडीएफ में कभी कभी मात्राओं की वगैरह मिस्टेक होती है, तो उसको आपको स्वयं को सुधारना भी है, ध्यान रखना है कहाँ गलतियाँ हैं। तो ऋतु में देख लीजिए, एक तो यहाँ गलती मिल जाएगी आपको, त्यौहार में भी हो जाएगी। त्यौहार में एक मात्रा होती है या दो है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दीपावली जो है वो हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली या दिवाली किसी भी नाम से पुकारे, यह त्यौहार आनंद और प्रकाश ही फैलता है या फैलाता है। तो आप भले इसको दीपावली को हो या दिवाली को, एक ही बात है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह त्यौहार जो है वो आनंद और प्रकाश ही फैलाता है, जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति का सर्वप्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है, उस तिथि को यह दीपावली मनाई जाती है, जो अभी फिलहाल ही दिनों में गई होगी आप लोगों ने मनाई। इस बार थोड़ा कोविड का चक्कर के कारण आप में थोड़ी सी खुशी में परेशानी आई होगी, लेकिन दीपावली है वो हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को ही आती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर जाइए, ऐसा इस सूक्ति में कहा गया है। यह अपने उपनिषदों की आज्ञा मानी जाती है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तो यह हमारे उपनिषदों की आज्ञा है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के गम के अंधेरे को खत्म करके उजाले की ओर जाए, अपने मन के अंधेरे को भी खत्म करे, यही दीपावली का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार क्या होता है, वो अपने ने कहा कि कोई भी मनुष्य है, यदि वो गम में है, अंधेरे में है, तो वह उजाले की ओर जाए, ऐसा ये त्यौहार है दीपावली का। दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन यह त्यौहार 5 दिनों का होता है। देखिए, दीपावली कब मनाई जाती है, सब पॉइंट बनाना है, पॉइंट की बाद में लिखना जाता है, पॉइंट के अनुसार निबंध लिखा जाता है। तो यहाँ इसने लिखा है कि दीपावली का त्यौहार है वो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन यह त्यौहार 5 दिनों का होता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और भाई दूज, ये 5 दिन ये त्यौहार चलता है। धनतेरस से शुरू होता है, धनतेरस कहते हैं, फिर रूप चौदस कह देते हैं, अमावस्या को दीपावली होती है, एकम को गोवर्धन पूजा होती है, और दूज को भाई दूज होती है। ये 5 दिनों का त्यौहार होता है, इसलिए यह धनतेरस शुरू होकर भाई दूज पर ख़त्म होता है। पर इसको मनाने की खुशी इतनी नहीं होती, इसकी तैयारी महीनों पहले से होने लगती है। यानी इसने लिखा है कि इसको मनाने की खुशी इतनी होती है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस त्यौहार को मनाने के लिए, जिसकी तैयारी महीनों पहले से की जाती है। आपको पता ही होगा, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है तो लोग घर की सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं, तो बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है इसकी त्यौहार मनाने की खुशी जो होती है वो। तो दीपावली त्यौहार की तारीख तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार निर्धारित है। हिंदू कैलेंडर कौन सा है? वही कार्तिक अमावस्या है ना, कार्तिक मास की अमावस्या फिक्स है हिंदू कैलेंडर। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर जो है उसमें अक्टूबर या नवंबर में कभी भी आ सकती है, दोनों में किसी महीने में दीपावली मनाई जा सकती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली मनाने की कई कथाएं प्रचलित है, पर हम सब जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ असुर राज रावण को मारकर अयोध्या नगरी में वापस आए थे। वैसे तो दीपावली मनाने के कई कथाएं प्रचलित है कि इन वजह से मनाई जाती है, लेकिन सब यही जानते हैं मुख्य रूप से कि इस दिन भगवान श्री राम सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, जो रावण है असुर राज, असुरों का राजा, राक्षसों का राजा, उसको मारकर वापस अयोध्या आए थे। तो उस खुशी में नगरवासियों ने अयोध्या को साफ सुथरा किया, दीपक से सजाया, फूलों से, रंगोली से सजाया था, अयोध्या नगरी को इस तरह सजा दिया था जैसे कि वो दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। और उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक अमावस्या के गहन अंधकार को दूर करने के लिए दीपों को जलाया जाता है और घर आंगन हर जगह को जगमगा दिया जाता है। तो इस तरह से दीपावली बनाने का प्रमुख कारण है, उसमें अपन ने पढ़ा। फिर दीपावली त्यौहार के लाभ क्या है?
दिवाली त्यौहार से बहुत से लाभ हैं। इस त्यौहार की वजह से छोटे बड़े व्यापारियों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देखोगे आप मार्केट में उन दिनों बड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि दीपावली के बहाने भी सभी लोग अपने घरों की बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं। सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर आंगन साफ़ सुथरा करते हैं। कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेगी, जो साफ़ सुथरा घर होगा तभी आएगी, तो ये काम हो जाता है। तीसरा का लाभ क्या है कि छोटे उद्योग जो है उसको काफ़ी लाभ होता है। मिट्टी का सामान, साज सज्जा का सामान, माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ और उनको जीविका चलाने वाले सबके लिए ये फायदे का सौदा हो जाता है कि उस दिन इन सबकी ग्राहकी होती है, यानी अच्छा पैसा मिल जाता है। चौथा पॉइंट, इस त्यौहार में आपसी प्रेम बढ़ता है। इस त्यौहार में सभी अपने संबंधों में मिठास लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए घरों में गुजिया पकवान और मिठाइयाँ इत्यादि बनाई जाती है, तो सभी अपने जीवन में मिठास लाए, अच्छे स्वभाव बने, सबके साथ अच्छे संबंध बने, इसलिए मिठाइयाँ बनाई जाती है। दूसरे घर जाते हैं, मिठाई पहुँचाते भी हैं, वहाँ बैठ कर खुद भी खाते हैं, तो इस तरह का कार्य होता है जिससे एक दूसरे के बीच में संबंध बढ़ते हैं और उनमें मिठास बढ़ती है। फिर कुछ हानियाँ भी है। कहते हैं दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, पर हमारी छोटी सोच की वजह से कई नुकसान भी होते हैं। पहला, पटाखों की वजह से वो नुकसान होता है जो कि स्वास्थ्य वगैरह पर प्रभाव डालता है, प्रदूषण होता है। इस बार कोविड के कारण आप लोगों को निषेध किया गया था कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और कोविड जिनके हो रखा है यानी जो कोरोना लक्षण से ग्रस्त है उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसके धुओं से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है लोगों को, इसलिए इस बार इस पर रोक थी, तो पटाखों की वजह से नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर लोग साफ सफाई में फिजूल पानी बहा देते हैं, एक तो ये भी होता है कि ज़्यादा पानी खर्च कर लेते हैं उसमें, घर की साफ सफाई करने में, लाइट की सजावट में विद्युत खर्च कर लेते हैं ज़्यादा। अत्यधिक मिठाई खाने के कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। दीयों को जलाने से बहुत सा तेल खर्च हो जाता है। दिखावे के चक्कर में लोग फिजूल खर्चा ही कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन शराब बद्दी का सेवन करते हैं, जुए वगैरह खेलते हैं, तो इसे बुरी आदतें हैं वो उस दिन लोग करते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती, ये भी नुकसान है। दीपावली हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसे हम समझबूझ और समझदारी और सावधानी से विचार करके मनाना चाहिए। यानी ये हमारा सबसे प्रमुख त्यौहार है हिंदुओं का, तो अच्छे से समझबूझ कर कोई नुकसान ना हो सावधानी से कार्य करना चाहिए और इस त्यौहार को मनाना चाहिए और इस त्यौहार में खुशियां बरते। उपसंहार टॉपिक जो है वो सब पूरा निबंध है, उसके अंदर जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा रूप है। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, यह हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है, हमें जीवन को एक नए तरीके से जीने की सीख देता है, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुछ लोग इस त्यौहार को गलत नजरिए से देखते हैं जो समाज के लिए बुरी बात है, इसलिए इन बुराइयों से बचना चाहिए। फटाके सावधानीपूर्वक फोड़ने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम सबको मिलकर यह त्यौहार मनाना चाहिए, इस त्यौहार के नाम दीपावली को सार्थक करना चाहिए, इस त्यौहार का नाम दीपावली, इसको आप लोग क्या करना चाहिए सार्थक। तो ध्यान दें, जब भी किसी टॉपिक में निबंध पूछा जाएगा तो उस निबंध में कुछ पॉइंट बना के आप लिखें, जिस तरह इसमें हमने पॉइंट लिखे थे। सबसे पहला पॉइंट लिखा था अपन ने कि यह सबसे पहले प्रस्तावना थी, यानी थोड़ा सा वर्णन दिया, अभी पॉइंट नहीं लिखा, यहाँ ऊपर आप प्रस्तावना लिख के इसको वर्णन करें, फिर पॉइंट लिखते हैं पहला, एक दूसरा कि दीपावली कब मनाई जाती है, फिर क्यों मनाई जाती है, फिर इससे लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, और उपसंहार करके आप इस टॉपिक को पूरा करें। तो इस तरह से पॉइंटों में निबंध लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका PDF मैं आपको ग्रुप में बहुत जल्दी भेज दूंगा, आप सभी इसे देख के अच्छे से नोट करें। यदि आप कुछ अच्छा भी लिखना चाहते हैं इससे तो आप उसे भी कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक लेके बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।